मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देख रहे हैं कक्षा 8 विषय हिंदी सेट 3 लेके आए हुए हैं और हिंदी का सभी प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो कुछ कविता दी हुई है, इस कविता को पढ़ना है और इसी के आधार पर आपके पास विकल्प रहेगा और विकल्प से सही आंसर को चुनना है। जैसे आप देख रहे हैं उपर्युक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, तो वायु प्रदूषण की समस्या, ध्वनि प्रदूषण की समस्या, या जल प्रदूषण की समस्या, या पूजा की समस्या। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखे जा रहे हैं, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उपर्युक्त पंक्तियों में समस्या की बात कहे तो जल प्रदूषण समस्या की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहे। आप चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दो नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है, पानी की कमी, प्रदूषित होने के कारण, या वर्षा नहीं होने के कारण, या जनसंख्या में वृद्धि के कारण। तो ये चार ऑप्शन में से प्यारे बच्चों आप अपना आंसर को चुनें, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती है क्योंकि उसकी पानी प्रदूषित हो जाती है, कोई पी नहीं पाते हैं, तो इसी कारण नदियाँ रात में रोती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन की बात करें कि अर्धय का क्या अर्थ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है अर्पण, बी में है धन, सी में है आधा, और डी ऑप्शन आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, धान। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं कि सही आंसर क्या होगा। तो अर्धय का मतलब होता है अर्पण करना, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कारक के चिन्ह से प्रश्न संख्या 4 से 6 में आपको भरना है। तो ये देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राम रावण को मारा। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा राम ने रावण को मारा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। और 5 नंबर की बात करें, शिकारी ने शेर को मारा, तो क्या मारा, तो से मारा, यानी शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो ये चिन्ह का प्रयोग होता है यहाँ पर, ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए अपादान में पेपर जो होता है, तो इस तरह से लिंक को देखा जाता है। 6 नंबर की बात करें तो लड़कियाँ चटाई बैठी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बताएं कि पर होगा, से होगा, द्वारा होगा, या को होगा। तो आप तो जान गए होंगे लड़कियां चटाई पर बैठी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। अब यहां कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपके पास क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। क्या कहता है, भारतीय समाज किस बात के लिए जाना जाता है, अनेकता में एकता, भाषा की एकता, खान पान की एकता, या धार्मिक एकता। तो ये देख रहे हैं आपके पास ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सही ऑप्शन को चुनना है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख रहे हैं, उपर्युक्त गद्यांश क्या कहता है, एकांकी है, नाटक है, लेख है, या पत्र है। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को पढ़ाना है, तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये जो है लेख के बारे में बताया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर किसे कहा गया है, तो ये 4 ऑप्शन को चुने और इसमें से ही आपको आंसर को चुनना है। 4 ऑप्शन में से राजेंद्र प्रसाद होगा, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, या बाबू राम नारायण सिंह होगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि छोटा नागपुर का शेर ये बाबू राम नारायण सिंह को कहा जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी, मुकुट दी, चरण पादुका दी, राज सिंहासन दी, या धनुष दिए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बतावें। प्यारे बच्चों राम का भरत को संदेश शीर्षक कवि पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु को दिए, तो आप जान रहे हैं उसने चरण पादुका दिए जिसको पैर में पहना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, निर्मला पुतुल, या सुमित्रा नंदन पंत। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर को बताएं, तो
करेक्ट आंसर होगा पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तालाब बांधता धर्म स्वभाव किस विधा से संबंधित पाठ है, कहानी नाटक यात्रा वृत्तांत या निबंध है। तो प्यारी बच्चों इसका सही आंसर आप चुने, करेक्ट आंसर होगा निबंध इज राइट आंसर, क्योंकि तालाब बांधता धर्म स्वभाव ये एक निबंध आधारित है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर क्वेश्चन की बात करें कि अपराजिता पाठ में डॉक्टर चंद्रा निम्नलिखित में से क्या बनना चाहती है, शिक्षिका डॉक्टर वकील या ऑफिसर। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डॉक्टर बनना चाहती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि गुरु शिष्य पाठ के अनुसार लेखक कानपुर से शर्म के मारे भाग आया था, क्योंकि उसका कारण क्या था आपको बताना है। ये देख रहे वह प्रथम श्रेणी में भी नहीं ला सका, वह उत्तीर्ण नहीं हो सका, वह परीक्षा नहीं दे सका, वह परीक्षा में टॉप कर सका। तो आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, तो सही ऑप्शन को जल्दी से बतावें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि गुरु शिष्य पाठ के अनुसार लेखक कानपुर के शर्म के मारे भाग आया था, क्योंकि वह प्रथम श्रेणी भी नहीं ला सका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन की बात करें कि झारखंड की राजधानी रांची से हुंडू जलप्रपात की दूरी कितनी है, 20 मील, 25 मील, 27 मील या 30 मील। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 मील है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची से हुंडू जलप्रपात की दूरी 27 मील दी हुई है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि अशुद्ध शब्द चुनिए कि मातृभाषा, कृत्रिम, छत्री या रीनी, इसमें से कौन गलत है, यानी अशुद्ध लिखा हुआ है आपको चुनने के लिए कह रहा है, यानी कृत्रिम जो दिया है ये आपका ऑप्शन गलत है, मातृभाषा सही है, छतरी भी सही है, रीनी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द चुनिए, अनावृष्टि, वृष्टि, अनुरक्ति या विरक्ति। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर जल्दी से बता सकते हो, बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि होगा। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ कारण नहीं है, तो वस्त्र, अंबर, वसन, आकाश। तो ये देख रहे हैं आपके पास चार ऑप्शन देखिए, तो कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, अंबर, वसन होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा का क्या अर्थ होगा, तो आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उल्टी गंगा बहाना, इसका सही अर्थ होगा। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, निराश शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या होगा, नीर जोड़ आशा, नी जोड़ आशा, निरा जोड़ सा या नीच जोड़ आशा। तो ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुने, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इसी तरह और वीडियो चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में, थैंक यू।